माँ के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ है। उसने पूछा कि फिर कौन है? तो आपने फरमाया कि तेरी माँ है। उसने तीसरी मरतबा पूछा कि फिर कौन है? तो आपने फिर फरमाया कि तेरी माँ है। चौथी दफ़ा दरियाफ्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप है। हदीस शरीफ में है कि नेक सलूक और उम्दा बर्ताव की सबसे ज़्यादा हकदार माँ है। अगर माँ ज़िंदा है तो उसकी खिदमत करो और खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए माँ के साथ नेक सलूक करो। ये नेकी हज और जिहाद से भी बड़ी है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद में शिरकत की इजाज़त दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तेरी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा हाँ ज़िंदा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी के साथ चिमटे रहो कि जन्नत उसके पाँव तले है। खुदा ने माँ की नाफरमानी तुम पर हराम कर दी। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार बड़े गुनाहों का जिक्र फरमाया और सरे फहरिस्त माँ की नाफरमानी को करार दिया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तेरी माँ ज़िंदा है? तो उसने अर्ज़ किया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तेरी खाला है? तो उस सहाबी ने कहा कि हाँ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, उससे जाकर नेकी का मामला कर। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि माँ की खिदमत करने से गुनाह माफ़ होते हैं, और अगर माँ ज़िंदा ना हो तो खाला की खिदमत करने से भी गुनाह माफ़ होते हैं। सुभान अल्लाह।